हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बजने वाले हैं तो मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज मुझे स्कूल जाना है। अभी घर में सभी लोग सो रहे हैं, बस मम्मी और मैं उठे हैं, तो मैं अब रेडी होने के लिए जा रही हूँ। मम्मी उठ चुकी हैं, अपना झाड़ू मार लिया इन्होंने, अब ये जूते पॉलिश करने में लगी हुई हैं। मैं नहा के आ चुकी हूँ और मम्मी ने ना मेरे लिए जूस बना के रखा है मौसमी वाला, तो अब मैं पी के अब जल्दी से रेडी हो जाऊँगी और स्कूल के लिए मुझे जाना था क्योंकि मुझे लेट हो जाएगा। फिर मेरा लंच पैक हो चुका है। आज सब्जी में आलू और भिंडी की मसालेदार सब्जी बनी हुई है और रोटी है। सौरभ अब दूध लेने के लिए तैयार हो रहा है, तो अपना डोलची ले चुका है। आने के बाद मैं सो गई थी, फिर सो के उठी हूँ, तो अब मैं छत पे आई हूँ। छत पे मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है और मम्मी भी अभी ऊपर ही आ रही हैं। छत पे बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है इस टाइम पे। बच्चे छत पे आके पतंग भी उड़ा रहे हैं। ये देखिए मम्मी क्या लेके आ रही हैं। मम्मी पूरा टब में चावल ही उठा के ले आई है। क्या करोगे मम्मी इतने चावल का? अच्छा अच्छा मम्मी अभी छत पर चावल बिनेगी, इसीलिए छत की देखो सफाई करने में लग गई हैं। देखो क्या क्या लेके आई हैं अपने लिए। सूप लेके आई हैं, पीढ़ा है, चश्मा है, ये छेद वाली थाली भी लेके आई है, और साथ में एक ये बाल्टी का ये डिब्बा भी लेके आई है जिसमें चावल बीन बीन के रखेंगी। इस चावल में देख ही सकते हैं आप कितना घुन पड़ गया, तो मम्मी अब यही इसको ना घुन सारा निकालेंगी। थाली में देखो चावल भर रही हैं, अब इसको ऐसे थाली में करके झाड़ रही हैं। इससे क्या होगा ना, जितने भी घुन होंगे वो सारे निकल जाएंगे। नीचे सौरभ सो रहा था तो हमने इसको बताया नहीं, मम्मी और मैं ऊपर चले आए, तो ये हमें ना ढूंढने लग गया कि हम लोग चले कहाँ गए। हर जगह ढूंढा, फिर देखा कि छत पे देख लेता हूँ, तो छत पे आके देख रहा कि हम लोग तो यहाँ पे ऊपर बिजी हो रखे। मम्मी चावल बीनने में बिजी थी और मैं अपनी शूटिंग करने में बिजी हो रखी थी। ये देखिए गाइस मम्मी का क्या कर रही है। मम्मी अब छेद वाली थाली से एक बड़ा सा टप ले लिया इन्होंने, अब बिल्कुल इसको ऐसे हिला रही है था पूरा, कि मेरे को तो लगा कहीं चावल ही ना गिर जाए सारा। मम्मी कहीं चावल तो नहीं गिर जाएगा? अब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि चावल भी गिर जाएगा इसमें से। अच्छा अच्छा ये तो अभी छत पे लगा हुआ था, आप ऊपर से उठा लाए इसको? अच्छा तो इसको आप दोबारा लगाओगे या आप रख ही दोगे अगले साल के लिए? तब तो अच्छी बात है। ये देखिए पापा इसमें स्टेपलर मार रहे हैं, स्टेपलर पिन मार रहे हैं। हाँ ये बात तो सही कही आपने पापा। खाना खा चुके हैं, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। खाना खा चुकी है, तो मम्मी हमेशा ना खाना खाने बाद ना मंजन करती है, तो मम्मी आप मंजन जो करते हो क्या क्या डालते हो आप इसमें? इसमें हल्दी लेते हैं, नमक होता है, नींबू होता है और सरसों का तेल होता है। अच्छा तो इससे क्या फायदा होता है? इससे दांत की पारिया ठीक होता है। अच्छा तब तो सही है, अब तो मैं भी रोज डेली करूँगी फिर। जो बदबू आता है वो नहीं आएगा। अच्छा तब तो बहुत ही अच्छा है ये। कीटाणु जो है सब मर जाते हैं।
अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया है गाइस, आप लोग भी ये नुस्खा जरूर ट्राई करना, ये बहुत ही फायदेमंद है, पेट के लिए बहुत लाभदायक है। पीलापन जो दांत में लगा रहता है वो सब हटा देता है। तो गाइस आप तो ये सुन ही रहे हो, तो आप इसे जरूर फॉलो। तो लोग लगे हुए हैं वीडियो बनाने के लिए। अब पता है रात के 10:30 बजने वाला है, पर इन लोगों की ना अभी वीडियो बनाना खत्म नहीं हुआ। देख सकते हैं आप कितना टाइम हो रहा है। आज भैया ऑफिस से आए थे तो बनाना और एप्पल लेके आए हैं, तो अब हमें फ्रूट्स वगैरह धो के फ्रिज में भी रखना है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। और अब बाहर ना बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, तो चलना है थोड़ा घूमने के लिए। हाँ मम्मी चलना है आपको, तो जल्दी से मुंह धो लो अपना ब्रश करके। आज तो हमारे साथ घूमने के लिए मम्मी भी आई है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। और ये देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। घर में नहीं पता चला, बाहर भी बहुत अच्छा लग रहा है। घर में तो बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी, उमर अब बाहर आए तो इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा। देखते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।